Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are good. I'm your teacher Ms. Maham and today we will do computer. Open your computer's work. Page number 13, unit 2, topic parts of a computer. As you already know that what is a computer? Computer is an electronic machine that works on electricity. एक electronic machine है जो के electricity से चलती है. अब वो कह रहे हैं जैसे कि कंप्यूटर जैसे कि ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, उसी तरह कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. लाइक स्पीकर, माइक्रोफोन, मोनीटर, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस, माउस, प्रिंटर. एज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, आवर कंप्यूटर इज आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. लेट्स स्टडी ईच पार्ट्स इन डिटेल. अब हम इनके पार्ट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे. नंबर वन क्या है? मोनीटर. मोनीटर क्या है? मोनीटर लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन. यू कैन सी कार्टून्स, फिल्म्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड सेंटेंसेस ऑन अ मोनीटर. इट्स आल्सो कॉल्ड अ वियर डिस्प्ले यूनिट. क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर मोनीटर जो है एक टीवी स्क्रीन है. देख रहे हैं ना पिक्चर पे, टीवी स्क्रीन की तरह का है ना. इस पर हम क्या कर सकते हैं? हम कार्टून्स देख सकते हैं, फिल्म्स, वर्ड्स, नंबर्स, सेंटेंसेस और भी बहुत कुछ हम मोनीटर पे देख सकते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ वीयर डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम वीयर डिस्प्ले यूनिट कहते हैं. कंप्यूटर जो कुछ भी हम वर्क करते हैं, हमें सब कुछ मोनीटर पे नज़र आता है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. सेकंड कौन सा है? सीपीयू. CPU stand for Central Processing Unit. CPU क्या stand? CPU का stand क्या है? Central Processing Unit. It is the brain of computer. You think with your brain and the computer think with your CPU. क्या कह रहे हैं? CPU क्या है? Computer का brain है. जैसे हम लोग brain की help से सोचते हैं ना, इसी तरह जो computer है, जो CPU है वो computer को help करता है सोचने में. CPU controls all the function of computer. It also stores loads of information for you. CPU जो होता है वो सारा function जो होता है computer का control करता है और इसमें बहुत सी information होती है हमारे लिए. अब हम आते हैं keyboard की तरफ. Keyboard has, ये keyboard है, this is a picture of keyboard. अब keyboard क्या है? A keyboard has alphabets keys, numbers keys and special function keys. अब keyboard में कौन कौन सी keys होती हैं? 3 keys होती हैं main ठीक है. Alphabet keys होती हैं, numbers keys होती हैं और special functions keys होती हैं. Alphabets तो आपको पता क्या होते हैं? A, letters और numbers 1, 2, 3. और special function कीज़ कौन सी है? जैसे F1 हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्टो हो गया, एंटर हो गया, डिलीट हो गया, ये सब क्या है? स्पेशल फंक्शंस की. व्हेन यू प्रेस द की द सेम लेटर कैरेक्टर इज सीन ऑन द मॉनिटर. जिस की को आप प्रेस करते हो वही लेटर या नंबर आपकी स्क्रीन पे आ जाता है. अब हम माउस पढ़ते हैं. अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि It has a long wire attached to the CPU. जो के एक long wire की help से attach होता है किसके साथ? CPU के साथ. It has two buttons. इसके कितने buttons होते हैं? 2. देख रहे हैं आप? 1 and 2. And a scroll bar. This is a scroll bar. माउस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एरो ऑन द स्क्रीन. माउस क्या करता है? एरो की मूवमेंट को कंट्रोल करता है स्क्रीन पर. इट हेल्प्स यू टू ड्रॉ एंड मेक द वर्क इजी ऑन अ कंप्यूटर. ये आपको हेल्प करता है थिंग्स ड्रॉ करने में और आपका काम आसान करने में. अ माउस शुड बी कैप्ट ऑन अ माउस पैड होता है एक, उसके ऊपर माउस रखा जाता है जैसे ये. It move well on smooth surface. जिसकी वजह से वो अच्छा move करता है, smooth होता है, smooth surface पे move कर सकता है. अब printer पढ़ते हैं हम. Printer देख रहे हैं आप, ये printer है. Printer is used to print text or picture or
on paper. Print out is called a hard copy. अब वो क्या कह रहे हैं, प्रिंटर क्या करता है, चीज़ों को प्रिंट करता है या पिक्चर्स को प्रिंट करता है, जिसको हम, जिस प्रिंट आउट को हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं. स्पीकर, यू कैन लिसन टू म्यूजिक और टू रिकॉर्ड साउंड बाय यूजिंग स्पीकर. अब हम वो क्या कह रहे हैं, स्पीकर क्या करता है, जिसकी वजह से हम म्यूजिक सुनते हैं और अपनी वॉइस को और रिकॉर्ड की हुई वॉइस को स्पीकर के जरिए हम सुन सकते हैं. Now come to next lesson, next page, sorry. When you play games or watch movies on a computer, you can hear the sound with the help of a speaker. जब आप games खेलते हो या movies देखते हो computer पे, तो आप किसकी help से उस sound को सुनते हो, speaker की help से. Microphone, ऐसा microphone. You can record your voice or sound by using a microphone. आप किसकी help से अपनी voice और sound को record करते हो, microphone की वजह से, headphone. You can listen to recorded sound, songs and voice using headphone. अब headphones ये हैं, this is a headphone. Headphone की help से क्या करते हो, आप अपनी recording sound को, songs को और voice को सुन सकते हो. UPS is uninterrupted power supply. Uninterrupted power supply क्या मतलब, जब लाइट चली जाती है तो आप क्या करते हो, अगर आपका UPS, आपके पास UPS है, अगर लाइट जाती है तो UPS आपको हेल्प करता है ना. A UPS keep the computer working for the some time when the electricity goes off. कंप्यूटर UPS क्या करता है, आपको हेल्प करता है जब लाइट चली जाती है और आप काम कर रहे हो तो अचानक लाइट चली जाती है, तो आप क्या करते हैं, UPS, आपका जो UPS है वो आपको हेल्प करता है, आपका काम आसान कर देता है. CD-ROMs and DVDs. A CD has a CD-ROM. To put your CD, you can store the information on your CD with the help of a CD writer. आप क्या कर सकते हैं, CD की हेल्प से आप अपनी इंफॉर्मेशन CD में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको देख सकते हो. Similarly, you can put your DVD in a DVD drive. अब CPU में हमारे पास दो drives होती हैं, एक CD drives होती हैं और एक क्या होती है, एक DVD drives होती हैं, जो कि दोनों हमारे लिए helpful होती हैं information record करने के लिए. Thank you.